इंसान की पैदाइश और तखलीक वहां से हुई है, जो गंदे कतरे से पैदा हुआ है उसको तकब्बुर नहीं सस्ता है, उसको बड़ाई नहीं सस्ती है, उसको गुरूर अच्छा नहीं लगता है। हज़रत आनफ बिन कैस अल्लाह वाले गुजरे हैं, बड़े आलिम गुजरे हैं, वो कहा करते थे अजीब तुलिमन यजरी फी मजरल बौल मर्रतैन कैफ यतकब्बर, मुझे ताज्जुब होता है, मुझे ताज्जुब होता है उस शख्स पर जो पेशाब के रास्ते से दो मर्तबा से गुजर के आया है, पेशाब के रास्ते से दो मर्तबा गुजर के आया है, वो तकब्बुर कैसे करता है। मालिक इब्ने दीनार एक अल्लाह वाले गुजरे हैं, उस जमाने में हुकूमत का खानदान का एक आदमी था नौजवान मुहल्लब बिन अबी सुफरा, हजरत मालिक बिन दीनार बैठे हुए थे, वो तकब्बुर से गुजरता हुआ जा रहा था, घमंड में गुरूर में मुबतला। हजरत मालिक बिन दीनार को उसकी चाल पसंद नहीं आई, तकब्बुराना थी। हजरत मालिक बिन दीनार ने उसको बुलाया, कहे नौजवान इधर आओ, कहा कि ये जो चाल तुम चल रहे हो तकब्बुर वाली, ये सिर्फ दो सफ़ों के दरमियान अच्छी लगती है, यानी जब दुश्मन सामने हो और आमने सामने मोर्चा बंदी हो, जंग में आजिज़ी नहीं दिखानी चाहिए, अपने आप को छोटा नहीं समझना, जंग में तो दुश्मनों के सामने बहादुर बनना चाहिए, वहाँ जो कुछ आप अकड़कर चल सकते हैं चलिए। तो ये तो दो सफ़ों के दरमियान जब दुश्मन आमने सामने हो वहाँ ये चाल अच्छी लगती है, यहाँ पर जो चल रहे हो ये अच्छी चाल नहीं है, पसंदीदा नहीं है। नौजवान था तकब्बुर मुब्तला, कहने लगा आप मुझे जानते नहीं मैं कौन हूँ। तो मालिक इब्ने दीनार रहमतुल्लाह अलैह ने कहा अच्छी तरीके से जानता हूं कि तुम कौन हो, फिर बताया अव्वलू का नुतफतुन मजीरा, तेरी इब्तिदा बताता हूं, तू अभी क्या है वो भी बताता हूं, आगे तेरा अंजाम क्या वो भी मुझे पता है, मैं कैसे नहीं पहचानता हूं तुझे। तेरा आगाज तेरी इब्तिदा, तेरी शुरुआत गंदा हुआ कतरा है, गंद वाला कतरा है, बदबूदार कपड़ों पे गिर जाता था, तेरे माँ बाप धो लेते थे, जिस्म पर गिरता इंसान घिन महसूस करता, वो तेरी इब्तिदा है, आगाज है तेरी शुरुआत है। वह आखिरू का जीफतुन कजिरा, और आगे तेरा जो अंजाम है ना वो ये है कि मुर्दार बन जाएगा, कीड़े मकोड़े तुझे खाएंगे। फीमा बैना ज़ालिका तहमिलुल अज़िरा, और इस वक्त जो तेरी पोजीशन है वो ये है कि तू अपने मैदे के अंदर पेट के अंदर न जाने कितनी गंदगी लिए हुए फिर रहा है, बाहर आ जाए तो बदबू महसूस हो। ये तेरी इब्तिदा, अभी तेरी क्या पोजीशन है और आगे तेरी क्या हालत होगी। अनफुसिना व मिन सय्यात आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्लला व मन युदलिलहु फला हादियला व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फऔधु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكبر ردائي والعز إزاري فمن نازعني في واحد منهما عذبته او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم। महतरम बुजुर्गों और अजीज दीनी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया को पैदा फरमाया है और उसका निज़ाम संभाले हुए हैं। कुदरत ताकत का मालिक वही है, इसीलिए किब्र अजमत बड़ाई उसी के शाया निशान है। अगर मखलूक में से कोई तकब्बुर में गुरूर में घमंड में मुब्तला होता है तो ये एक तरह की बीमारी है जो मखलूक को इंसान को लग जाती है। और तकब्बुर और घमंड ये अल्लाह ही की सिफत है, अल्लाह के अलावा किसी में अच्छी नहीं लगती, उन्हें अल्लाह उसको पसंद फरमाता है। जो आदमी इसमें मुब्तला होता है
तो अल्लाह के ग़ज़ब को दावत देता है, गुस्से को दावत देता है, और ऐसे आदमी को अल्लाह जलील और रुस्वा करता है और उसका सर नीचा करता है। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से हमें बताया, हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमाते हैं, रसूलुल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह ख़ुद फरमाते हैं, अल इज़्ज़ु इज़ारी वल किब्रियाउ रिदाई फमन नाज़ानी फ़ी वाहिद मिन्हुमा अज़्ज़बतुहु। इज़्ज़त, गलबा, बड़ा होना, ये मेरी इज़ार है, और किबरियाई, बुलंदी, ये मेरी रिदा है। अरब लोग लिबास के तौर पर जो इस्तेमाल करते थे, उस तरह जिस तरह एहराम में हम इस्तेमाल करते हैं, एक चादर ऊपर एक चादर नीचे, ऊपर के लिबास को रिदा कहते हैं और नीचे के लिबास को वो इज़ार कहते हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि गलबा, इज़्ज़त, ये मेरी इज़ार है, किबरियाई, अज़मत, ये मेरी रिदा है। जो कोई भी इन दोनों के सिलसिले में मुझसे झगड़ा करेगा तो मैं उसे अजाब में मुब्तला कर दूंगा। बाज़ रिवायात के अल्फाज ऐसे, मैं बग़ैर किसी परवाह के उसे जहन्नम में दाखिल कर दूंगा, कोई परवाह नहीं होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस में, फरमूदात में, एक पिछली कौमों के एक आदमी का ज़िक्र किया और कहा कि बैनमा रजुलुन यजुर्र इज़ारहू यतबख्तर। पिछली कौमों में एक आदमी था, वो तकब्बुर में मुब्तला हो गया, कीमती नफीस लिबास पहनकर अकड़ता हुआ, सर मटकाता हुआ, अपने कंधों को हिलाता हुआ, जिस तरह मुतकब्बिर इंसान की चाल होती है, इस तरह जा रहा था। अल्लाह को उसकी यादा पसंद नहीं आई। अल्लाह तबारक व ताला ने खसफ बिही फिल अर्द फहुवा यतजलजलु इला यौमिल क़ियामा, उसको उसी तरह ज़मीन में धसा दिया और क़यामत तक वो इसी तरह धसता रहेगा। तकब्बुर में क्या होता है, इंसान खुद पसंदी में मुब्तला होता है, अपने आप को अच्छा समझने लग जाता है, अपनी ज़ात को पसंद करने लगता है, और ख़ुद को ऊंचा, दूसरों को हकीर, दूसरों को नीचा समझने लग जाता है। ये तकब्बुर की अलामत और निशानियां हैं दो, अपने आप को ऊंचा समझना, दूसरों को हकीर समझना, खुद पसंदी में मुब्तला होना। और जो कुछ, जो कोई इंसान ऐसा करता है तो फिर वो अल्लाह के ग़ज़ब को दावत देता है, गुस्से को दावत देता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है, ला यज़ालु अर्रजुलु यज़हबु बिनफ्सिही हत्ता युक्तब फिल जब्बारीन फयुसीबहु मा असाबहु। इंसान खुद पसंदी में मुब्तला होता है, बराबर अपने आप को पसंद करता रहता है मुसलसल, यहाँ तक कि वो तकब्बुर में मुब्तला हो जाता है, हत्ता युक्तब फिल जब्बारीन, यहाँ तक के मुतकब्बिरों, सरकशों, मगरूरों की लिस्ट में उसका नाम लिख दिया जाता है। और जब वो इस तरह हो जाता है तो फिर उसको वही बात पहुँचेगी जो पिछले मुतकब्बिरीन को पहुँची। अल्लाह ने पिछली कौमों में तकब्बुर करने वालों को निशान इबरत बना दिया, जलील और रुस्वा किया, उनके तकब्बुर को, घमंड को, गुरूर को खाक में मिला दिया। अल्लाह ऐसे आदमी के साथ भी वैसा ही मामला करेगा। इसलिए नबी अलैहिस्सलाम का इरशाद है, ला यदखुलुल जन्नह मन कान फी कल्बिही मिस्कालु ज़र्रतिन मिन किबरिन। जन्नत में ऐसा शख्स हरगिज दाखिल नहीं हो सकेगा जिसके दिल में जर्रा बराबर भी तकब्बुर हो, घमंड हो। अब तकब्बुर और घमंड क्या चीज़ है? क्या अच्छा लिबास पहनना तकब्बुर है? क्या अच्छे जूते इस्तेमाल करना तकब्बुर है? क्या अच्छा घर बनाना तकब्बुर और घमंड या गुरूर है? या अच्छी सवारी और गाड़ी इस्तेमाल करना, या जो भी चीज़ें इंसान के इस्तेमाल में आती हैं उनका इस्तेमाल, बेहतर से बेहतर चीज़ का इस्तेमाल करना, ये तकब्बुर, घमंड और गुरूर है?
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर तकब्बुर की मजम्मत बयान फरमाई, बुराई बयान फरमाई, उसके नुकसानात का तज़किरा किया, तो एक सहाबी खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह इन्नर रजुला, एक आदमी है जो ये पसंद करता है कि उसका लिबास अच्छा हो, उसके जूते अच्छे हों, उसके बाल अच्छे हों, उसकी हर चीज़ अच्छी हो, खूबसूरत हो, सलीके से रहता है, तो क्या ये भी तकब्बुर में शामिल होगा? अच्छा लिबास पहनना, अच्छी खुराक खाना, अच्छा घर बनाना, अच्छी सवारी इस्तेमाल करना, और जो इंसान की ज़रूरत की चीज़ें हैं वो उम्दा से उम्दा इस्तेमाल करना, ये भी तकब्बुर में दाखिल है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी को कहा कि इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाला, अल्लाह खूबसूरत है, खूबसूरती को पसंद करता है। अच्छी चीज़ों के इस्तेमाल, ये तकब्बुर की अलामत नहीं है। तो फिर तकब्बुर क्या है या रसूल अल्लाह? हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल किबरु बतरुल हक व गमतुन नास, तकब्बुर ये है कि हक को ठुकरा देना, हक बात आए, सच बात आए, उसको ठुकरा देना, उसको कबूल न करना और लोगों को हकीर समझना। अच्छी चीज़ इस्तेमाल कर रहा है, अल्लाह का शुक्र उस पर अदा कर रहा है, दूसरों को हकीर नहीं समझ रहा है, लेकिन अपनी अच्छी चीज़ की वजह से दूसरों को हकीर समझ रहा है, अमली तौर पर तकब्बुर कर रहा है, अपने पास शानदार गाड़ी है और दूसरों के पास उस मॉडल की नहीं है, तो क्या देखो साबुन के डब्बा इस तरह लोग इस्तेमाल करते हैं, साबुन की डब्बी लेके आगे, क्या लेके आगे, छोटी सी कार को या किसी गाड़ी को, ये बोल जो होते हैं ये तकब्बुर के होते हैं। खुद अल्लाह ताला ने आपको नवाज रखा, हर तरह से हर चीज़ अच्छी इस्तेमाल की है, कोई बात नहीं, हक बात को ठुकराना और लोगों को हकीर समझना, ये है तकब्बुर। इंसान जब तकब्बुर में मुब्तला होता है तो फिर दूसरों को हकीर समझता है, दूसरों को जलील करता है, दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, दूसरों की तहकीर करता है, दूसरों को की तौहीन करता है, दूसरों का मजाक उड़ाता है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में सूरतुल हुजरात में अहले ईमान से कहा है कि कोई किसी का मजाक न उड़ाए, इसलिए कि ये तकब्बुर की वजह से होता है, घमंड की वजह से होता है। और तकब्बुर सिर्फ एक बीमारी नहीं है, एक नक्स और कमी नहीं है, ये न जाने कितनी बीमारियों को, कितने नकाइस को, कितनी कमियों को अपने अंदर ले आता है। अल्लाह ने फरमाया, ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकून खैरम मिनहुम वला निसाउम मिन निसाइन असा अन यकून खैरम मिनहुन्ना, ए ईमान वालो कोई कौम दूसरी कौम का मजाक न उड़ाए। हो सकता है जिसका तुम मजाक उड़ा रहे हो अल्लाह की निगाह में वो तुमसे बेहतर हो, और न औरतें दूसरी औरतों का मजाक उड़ाएं, हो सकता है जिनको तुम मजाक जिनकी तुम तौहीन कर रहे हो, मजाक उड़ा रहे हो, वो तुमसे बेहतर हो। वला तलमिज़ू अनफुसकुम वला तनाबज़ू बिल अलकाब, एक दूसरों को गंदे अलकाब से मत पुकारो, हकीर अल्फाज के साथ, अलकाब के साथ मत पुकारो, ताने मत दो। बीस अलिस्म फसूक बादल ईमान, ईमान लाने के बाद इस तरह किसी की तहकीर करना, तोहीन करना, जलील और रुस्वा करना, मजाक उड़ाना, नीचा समझना, ये बहुत बड़ा गुनाह है। बीस अलिस्म फसूक बादल ईमान वमल्लम यतुब फौलाई कौमुज़्ज़ालिमून, और जो शख्स ऐसी गलत बातों से तौबा नहीं करेगा, रुजू नहीं करेगा, इनसे बाज नहीं आएगा, तो ऐसे लोग अल्लाह की निगाह में ज़ालिम हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह अवहा इलैय अन तवाज़ऊ, अल्लाह ने मेरी तरफ ये पैगाम भेजा, मेरी तरफ ये वही फरमाई कि सब तवाज़ऊ इख्तियार करो, अपने आप को आजिज समझो, इंकसारी इख्तियार करो, तवाज़ऊ इख्तियार करो। ला यबगी अहदुन अला अहदिन वला यफ़खर अहदुन अला अहदिन, कोई किसी पर फख्र न करे, कोई किसी पर जुल्म और ज्यादती ना करे। जब फख्र करता है, अपने आप को बड़ा समझता है, तो फिर जुल्म करता है, ज्यादती करता है, दस दराजी करता है, और फिर घमंड में और गुरूर में मुब्तला हो जाता है इंसान। घमंड और गुरूर की मुख्तलिफ शक्लें होती है, कभी इंसान अपने बड़े ख़ानदान और नसब की वजह से गुरूर करता है, कभी बिरादरी और कौम की वजह से
गुरूर करता है, तकब्बुर में मुबतला होता है, कभी हुस्न व जमाल की वजह से, कभी अभी अपने कद्दो कामत की वजह से, कभी ओहदा और इख्तदार की वजह से, कभी हुस्न व जमाल की वजह से, कभी जहद तकवा इबादत की वजह से भी इंसान घमंड में मुबतला होता है। घमंड की मुख्तलिफ शक्लें होती है, मुख्तलिफ सूरतें होती है। ये सारी चीज़ें जितनी भी है, इंसान जिनकी वजह से अपने आप को अच्छा समझने लग जाता है और बड़ा समझने लग जाता है और अपने आप को ऊंचा समझकर दूसरों को हकीर समझने लगता है, ये शैतानी अमल है और ये अल्लाह के गज़ब का ज़रिया है, अल्लाह को गुस्से को भड़काने का ज़रिया है। अल्लाह तबारक व ताला ने इंसान को जो पैदा फरमाया, खाक से पैदा फरमाया, मट्टी से पैदा फरमाया है, और शैतान को जो पैदा फरमाया है ये आग से पैदा फरमाया है। इंसान को खाक से मट्टी से पैदा फरमाया है। खाक की सिफत तवाज़ो है, मट्टी की सिफत आजिज़ी है, मट्टी की सिफत इनकिसारी है, मट्टी की सिफत अपने आप को मामूली समझना है। इसलिए आप मट्टी को, मट्टी से बनी हुई किसी भी चीज़ को आप ऊपर फेंकें वो नीचे ही आएगी, अपने आप को नीचे ले आएगी, छोटा समझेगी। और आग की खसूसियत तकब्बुर करना है, बड़ाई का इजहार है। आप आग जलाइए, आग ऊपर को उठने की कोशिश करती है। अल्लाह ताला ने शैतान को आग से पैदा फरमाया, कुरान में इसको बयान फरमाया है। तो शैतान के अंदर देखिए उसकी खसूसियात आई, तकब्बुर आया, घमंड आया। وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ। जब अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया, मट्टी का पुतला हज़रत आदम का, और उसमें अपनी रूह फूंकी, वो जिंदा हो गई, जिंदा इंसान की शक्ल में सामने आ गई, तमाम लोगों से कहा उस वक्त फरिश्तों से, सब आदम के सामने सजदा रेज हो जाओ, सजदा करो। सारे फरिश्तों ने सजदा किया लेकिन इबलीस ने सजदा नहीं किया। क्यों नहीं किया? कुरान कहता है इस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन। इस्तकबरा, उसने तकब्बुर किया, उसने अपने आप को बड़ा समझा, और कुरान उसके अल्फाज नकल करता बार बार, कहने लगा आना खैरुम मिन खलकतनी मिन नार व खलकतहु मिन तीन। मैं आदम को कैसे सजदा कर लूं, मैं उससे बेहतर हूं, मैं उससे अच्छा हूं, मैं उनसे उमदा हूं, मैं उससे खैर हूं यानी बेहतर हूं। आपने आदम को मट्टी से पैदा किया है, मट्टी तो हकीर होती है, मट्टी तो जलील होती है, और आपने मुझे आग से पैदा किया है, मैं बड़ा हूं। आदम मुझे सजदा करे, मेरे सामने झुके कि मैं आदम को सजदा करूं। आदम को सजदा नहीं किया और अल्लाह के दरबार से धुतकार कर जलील और रुस्वा करके निकाल दिया गया। इसीलिए हमारे बाज असलाफ ने, बाज बुजुर्गों ने कहा अव्वल ज़म्बिन उसी अल्लाह बिही, सबसे पहला गुनाह, सबसे पहला गुनाह आसमानों में जिसके जरिए से अल्लाह की नाफरमानी की गई है वो तकब्बुर है। तकब्बुर है जो शैतान ने किया है। और अल्लामा इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं, शेखुल इस्लाम उनका लकब है, शेखुल इस्लाम अल्लामा इब्ने तैमिया फरमाया करते थे अत्तकब्बुर शर्र मिन अश-शिर्क। तकब्बुर शिर्क से भी खतरनाक बीमारी है। तकब्बुर, घमंड, गुरूर ये शिर्क से भी बुरी चीज है। فَإِنَّ الْمُتَكَبِّرَ يَتَكَبَّرُ عَنِ عِبَادَةِ اللَّهِ وَالْمُشْرِكُ يَعْبُدُ اللَّهَ وَغَيْرَهُ। वजह क्या बयान की उन्होंने? वजह ये बयान की कि मुशरिक जो होता है ना वो अल्लाह को मानता है, वो अल्लाह को मानता है लेकिन अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक करता है, अल्लाह की इबादत में, अल्लाह की ज़ात में, अल्लाह की सिफात में दूसरों को शरीक करता है, पार्टनर बनाता है। लेकिन जो मुतकब्बिर होता है वो अल्लाह की इबादत से भी दूर भागता है, अल्लाह की इबादत से भी तकब्बुर करता है, अल्लाह की इबादत को भी तस्लीम नहीं करता है। तो तकब्बुर ये शिर्क से भी बहुत खतरनाक चीज है। तो शैतान ने यही कहा मैं बेहतर हूं उससे। सबसे पहला गुनाह जो आसमानों पर किया गया वो तकब्बुर था। और फिर शैतान चूंकि इंसान का अजली दुश्मन है, हमेशा का दुश्मन है, उसने कसम खाई थी कि मैं इंसान को अल्लाह का फरमा बरदार कभी बनने नहीं दूंगा और पूरी कोशिश करूंगा सही रास्ते से हटाने की। वो भी यही चाहता है कि इंसान भी घमंड में, गुरूर में, तकब्बुर में, खुद पसंदीदगी में मुबतला होकर गलत रास्ते पर चल जाए और अल्लाह के गज़ब और गुस्से का निशान बन जाए, निशाना बन जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर यह बयान फरमाया था कि तीन चीज़ें नजात देने वाली है और तीन चीज़ें हलाकत में डालने वाली है। तो तीन चीज़ें जो हलाकत में डालने वाली है
उनमें से एक ये फरमाया था इजाबुल मरई बिनफसिही, इंसान का अपने आप को अच्छा समझना, खुद पसंदीदगी में मुबतला हो जाना। जब इंसान के अंदर मैं आ जाता, मैं अच्छा, मेरी चीज़ अच्छी, मेरी राय अच्छी, मेरी अकल अच्छी, मेरा मशवरा अच्छा, मेरी हर बात अच्छी, मेरा हर अमल अच्छा, तो फिर इंसान खुद को अपने आप को बड़ा समझता है और दूसरों को हकीर समझता है, और ऐसे लोगों का ठिकाना जहन्नम है। फरमाया बिस्सा मसअल मुतकब्बिरीन, तकब्बुर करने वालों का ठिकाना जहन्नम है और कितना ही बुरा ठिकाना है। हदीस शरीफ में आया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तहाज्जतिल जन्नत वन्नार, जन्नत और जहन्नम में बहस हुई, आपस में गुफ्तगू हुई, डिबेट हुई। फ़कालत नार, जहन्नम ने कहा उफिर तो बिल मुतकब्बिरीन वल मुतजब्बिरीन, मुझे तरजीह दी गई है, मेरे में जो लोग आएंगे ना वो बड़े बड़े लोग आएंगे, मुतजब्बिर सरकश लोग, मुतकब्बिर अपने आप को बड़ा समझने वाले लोग, दुनिया में अब जिनका सर ऊंचा हुआ करता था, अपने आप को समझते थे बस हम ही है, हम दूसरा कोई नहीं है, मेरे में ऐसे बड़े बड़े लोग आएंगे, मुतजब्बिर और मुतकब्बिर। तो जन्नत ने कहा माली ला यदखुलूनी इल्ला ज़ुआफ़ाउन नास वसक़तुहुम, भाई मेरा क्या कसूर है, मुझे क्या हो गया है कि मुझे मेरे अंदर तो कमज़ोर लोग, अवाम लोग, आम लोग आएंगे। तो अल्लाह ताला ने उनकी दोनों की बहस को सुना ना, फ़काल अल्लाहु लिल जन्ना, अल्लाह ताला ने जन्नत से कहा अंती रहमती, जन्नत तुम अपने आप को छोटा ना समझो, तुम मेरी रहमत हो। अरहमु बिकी मन अशाउ मिन इबादी, मैं अपने बंदों में से जिस पर रहम करना चाहूँगा तेरे ज़रिए से रहम करूँगा, उन पर करम करना चाहूँगा तेरे ज़रिए से उन पर करम करूँगा, तुझमें उनको दाखिल करूँगा। और जहन्नम से कहा अंत अजाबी वअज़िबु बिकी मन अशाउ मिन इबादी, तुम मेरा अजाब हो, तुम मेरी सजा हो, तुम दोनों मेरी हो, एक के ज़रिए से मेरे फरमाबरदार बंदों को नवाजना चाहूँगा और एक के ज़रिए से मेरे सामने आने वालों को, तकब्बुर करने वालों को, मेरी इबादत से घमंड करने वालों को अजाब दूंगा। और जहन्नम से कहा तू मेरा अजाब है, अपने बंदों में से मैं जिसको चाहूँगा अजाब में मुबतला करूँगा। वली कुल्ल वाहिद वाहिदति मिनकुमा मिलउहा, और तुम हर एक अपनी अपनी जगह हो, तुम्हारे मुस्तहिक हकदार जो लोग होंगे उनके ज़रिए से तुमको भर दिया जाएगा। इसलिए अल्लाह तबारक व ताला से हमेशा मांगते रहना चाहिए कि अल्लाह तबारक व ताला हमें अपनी रहमत की जगह में पहुंचाए, और रहमत की जगह जन्नत है, और जन्नत में पहुंचेगा वही शख्स जो तकब्बुर नहीं करेगा, गुरूर नहीं करेगा। अल्लाह ने फरमाया तिलकत दारुल आखिरतु नजअलुहा लिल्लज़ीना ला युरीदून उलुवन फिल अर्ज़ वला फसादा, वो आखिरत का घर हम उस आखिरत के घर को, जन्नत को उन लोगों के लिए बनाएंगे जो ज़मीन में उलू बुलंदी तकब्बुर और सरकशी नहीं करते हैं, और न फसाद और बिगाड़ में मुबतला होते हैं। वलआक़िबतु लिल्मुत्तकीन, और वो बेहतरीन अंजाम, बेहतरीन घर तकवे वालों के लिए अल्लाह ताला ने तैयार कर रखा है, जिसके अंदर अल्लाह का तकवा होगा वो कभी घमंड और गुरूर में मुबतला नहीं होगा। इंसान को तकब्बर और गुरूर, ये बहुत सारी हक बात को तस्लीम करने से, सच्ची बातों को तस्लीम करने से रोक देता है। जबला बिन अहम गस्सानी, गस्सान का बड़ा बादशाह था, इस्लाम कबूल करने के लिए आया हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में, तो उसने पहले से मैसेज भेजा, पैगाम भेजा कि मैं आ रहा हूँ। हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उसके इस्तकबाल के लिए लोगों को कहा, उसकी खबर पहुँची मदीने में, पता चला कि बड़ी शान और शौकत के साथ मदीने में आ रहा है। मदीने के करीब आया, उसने सोने जड़े हुए अपने लिबास को पहना, हीरे जवाहरात से सजा हुआ अपना ताज सर पे रखा, अपने लश्करियों को कहा बेहतरीन से बेहतरीन लिबास पहने, जिस तरह दुनियादार अपनी शान और शौकत जाहिर करने के लिए ऐसे मौके पे करते हैं। जब मदीने वालों ने इस तरह सुना कि वो शान और शौकत के साथ आ रहा है, तो मदीने के बच्चे, औरतें, वो सब उसको देखने के लिए, तमाशा देखने के लिए बाहर निकले। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आया, इस्लाम कबूल किया, हज का मौसम था, और हज के मौसम में वो हज करने की नियत से मक्का मुकर्रमा भी गया, हज़रत उमर भी गए थे। काबे का वो तवाफ़ कर रहा था, ताबा तवाफ़ करते हुए काबे का, चूँकि एहराम बांधे हुआ था, चादर नीचे लटक रही थी, पीछे से एक बद्दू था, आम सा बेचारा इंसान था, उसका पाँव उसकी चादर पर पड़ गया, जिसकी वजह से उसको ठोकर लग गई, गिर गया, उसको आया गुस्सा,
मैं गस्सान का बादशाह जबला बिन अयहम, ये बद्दू आम देहाती इंसान, और उसने मेरी चादर पर पैर रख दिया, उसने मुक्का मारा उस देहाती को, उसकी नाक टूट गई, उसको नुकसान पहुंच गया। देहाती तो देहाती था, वो आया हज़रत उमर इब्ने ख़त्ताब के पास, कहने लगा हज़रत मेरे साथ ये मामला फला शख्स ने किया है। जबला बिन अयहम गस्सानी को बुलाया और आकर कहा, बुलाकर कहा हज़रत उमर इब्ने ख़त्ताब ने कि देखो अल्लाह के घर का तवाफ़ करते हुए तुमने फला देहाती को मारा है और उसको नाक को नुकसान पहुंचा है, या तो तुम उससे माफ़ी मंगवा लो या फिर तुम्हारी भी नाक तोड़ी जाएगी, बदला लिया जाएगा। उसको कहने लगा मैं गस्सान का बादशाह जबला बिन अयहम हूँ और एक आम आदमी है, एक बाजारी आदमी है, देहाती बद्दू है, और वो मुझसे बदला लेगा, ये कैसे हो सकता है? हज़रत उमर इब्ने ख़त्ताब ने कहा इस्लाम ने तुमको और उनको बराबर कर दिया है, कोई फ़र्क नहीं है, अब बदला तो वो लेगा ही तुमसे और मैं दिलवाऊंगा। तो वो कहने लगा कि मैं ईसाई हो जाऊंगा, इस्लाम से फिर जाऊंगा। हज़रत उमर ने कहा कि अगर ईसाई हो जाओगे तो गर्दन उड़ा दी जाएगी, मुर्तद की सज़ा कत्ल है, कत्ल कर दूंगा मैं। तो कहा कि ठीक है मुझे मोहलत दे दो, दो दिन सोचने की। उसने दो दिन मोहलत दी, फिर रात के अंधेरे में चुपके से निकल गया और कहीं जाकर ईसाई बन गया। बाद में पछताने लगता था, लेकिन हज़रत उमर इब्ने ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि मैं अल्लाह ताला मुझसे पूछेगा अदल व इंसाफ क्यों नहीं किया। तो देखिए हक बात थी, जो सच बात थी, उसमें बीच में माने क्या बनी, रुकावट क्या बनी, तकब्बुर, मैं तो बादशाह हूँ, मैं तो गस्सान का सब कुछ हूँ, हुक्मरान हूँ, और ये एक आम आदमी है, उसका क़िसास, उसका बदला मुझसे कैसे लिया जाएगा। तो इंसान को ये चीज़ जो होती है ना, ये हक बात से रोकती है इंसान, जिससे हम तकब्बुर कहते हैं, अपने आप को अच्छा और उम्दा समझने लग जाता है, दूसरों से बड़ा समझने लग जाता है। और इंसान किस बुनियाद पर अपने आप को बड़ा समझे, गुरूर और घमंड में मुबतला हो। कुरान ने दावत दी है कि इंसान को अपनी ज़ात में गौर करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने उसे किससे पैदा किया है। मिन अय्यि शयइन खलक़हू मिन नुत्फ़तिन खलक़हू फ़क़द्दरा थुम्मस सबीला यस्सरा। इंसान अपने आप को क्या समझने लगता है कि मैं करने लग जाता है। अल्लाह ने उसे पैदा कितनी हकीर चीज़ से पैदा किया है, नुतफे से पैदा किया है, गंदा बदबूदार कतरा। इंसान की इब्तिदा वहाँ से हुई है, इंसान की पैदाइश और तख्लीक वहाँ से हुई है। जो गंदे कतरे से पैदा हुआ है उसको तकब्बुर नहीं सस्ता है, उसको बड़ाई नहीं सस्ती है, उसको गुरूर अच्छा नहीं लगता है। हज़रत आनफ बिन कैस अल्लाह वाले गुजरे हैं, बड़े आलिम गुजरे हैं, वो कहा करते थे अजीब तुलिमन यजरी फी मजरल बौल मर्रतैन कैफ यतकब्बर। मुझे ताज्जुब होता है उस शख्स पर जो पेशाब के रास्ते से दो मर्तबा से गुजर के आया है, पेशाब के रास्ते से दो मर्तबा गुजर के आया है, वो तकब्बुर कैसे करता है। दो मर्तबा वहां से गुजरता है और वो अपने आप को समझता है आई एम समथिंग, मैं हूं, मैं कुछ हूं, मैं मुतकब्बिर हूं। अपनी हकीकत पर, अपनी इब्तिदा पर तो गौर करें। हजरत मालिक इब्ने दीनार एक अल्लाह वाले गुजरे हैं, उस जमाने में हुकूमत का खानदान का एक आदमी था नौजवान, मुहल्लब बिन अबी सुफरा। हजरत मालिक बिन दीनार बैठे हुए थे, वो तकब्बुर से गुजरता हुआ जा रहा था, घमंड में, गुरूर में मुबतला। हजरत मालिक इब्न दीनार को उसकी चाल पसंद नहीं आई, तकब्बुरा ना थी। हजरत मालिक इब्न दीनार ने उसको बुलाया, कहे नौजवान इधर आओ, कहा कि ये जो चाल तुम चल रहे हो तकब्बुर वाली, ये सिर्फ दो सफ़ों के दरमियान अच्छी लगती है, यानी जब दुश्मन सामने हो और आमने सामने मोर्चा बंदी हो, जंग में आजिज़ी नहीं दिखानी चाहिए, अपने आप को छोटा नहीं समझना, जंग में तो दुश्मनों के सामने बहादुर बनना चाहिए, वहाँ जो कुछ आप अकड़ कर चल सकते हैं चलिए। तो ये तो दो सफ़ों के दरमियान जब दुश्मन आमने सामने हो वहाँ ये चाल अच्छी लगती है, यहाँ पर जो चल रहे हो ये अच्छी चाल नहीं है, पसंदीदा नहीं है। नौजवान था तकब्बुर मुतल, कहने लगा आप मुझे जानते नहीं मैं कौन हूँ। तो मालिक इब्ने दीनार रहमतुल्लाह अलैह ने कहा अच्छी तरीके से जानता हूं कि तुम कौन हो। फिर बताया अव्वलु का नुतफतुन मजीरा, तेरी इब्तिदा बताता हूं, तू अभी क्या है वो भी बताता हूं, आगे तेरा अंजाम क्या वो भी मुझे पता है, मैं कैसे नहीं पहचानता हूं तुझे। तेरा आगाज, तेरी इब्तिदा, तेरी शुरुआत गंदा हुआ कतरा है, गंद वाला कतरा है, बदबूदार कपड़ों पे गिर जाता था, तेरे माँ बाप धो लेते थे, जिस्म पर गिरता इंसान घिन महसूस करता, वो तेरी इब्तिदा है, आगाज है, तेरी शुरुआत है। वह आखिरू का जीफतुन कजिरा, और आगे तेरा जो अंजाम है ना
वो ये है कि मुर्दार बन जाएगा, कीड़े मकोड़े तुझे खाएंगे। वफ़ाम फीमा बैना ज़ालिका तहमिलुल अज़रा, और इस वक्त जो तेरी पोजीशन है वो ये है कि तू अपने मैदे के अंदर, पेट के अंदर न जाने कितनी गंदगी लिए हुए फिर रहा है, बाहर आ जाए तो बदबू महसूस हो। ये तेरी इब्तिदा, अभी तेरी क्या पोजीशन है और आगे तेरी क्या हालत होगी मैं तुझे जानता हूं। उसकी आंखें खुल गई, कहा कि अन तारफ्तनी हक्कल मारिफा, आप ही ने मुझे सही तरीके से पहचाना और मेरी आंखें खोल दी कि मैं क्या हूं। माजरत करने लगा, मैं घमंड में, गुरूर में और खुद पसंदीदगी में मुबतला नहीं होगा। अपने आप को बड़ा समझना यह सिर्फ अल्लाह की शान है। इंसान अपने आप को बड़ा क्यों समझता है कि लोगों में इज्जत हो, बड़े बोल बोलता है और इस तरह के चाल चलन इख्तियार करता है इसलिए कि लोग मुझे बड़ा समझें। हालांकि इस तरह लोग बड़ा नहीं समझेंगे। अगर बड़ा बनना है, बुलंदी पे पहुंचना है, तो अपने आप को झुकाना पड़ेगा। किसी ने कहा कि जब पहाड़ पर चढ़ते हो ना, तो पहाड़ पर चढ़ना इसका मतलब बुलंदी पे आप जा रहे हैं। बुलंदी पर चढ़ने के लिए, ऊंचा मकाम पाने के लिए आपको झुकना पड़ता है। पहाड़ पर चढ़ने के लिए झुकना पड़ता है। जो झुकता हुआ चलेगा वो पहाड़ की बुलंदी पे पहुंच जाएगा, और अगर झुकेगा नहीं, अकड़ता हुआ जाएगा तो पीछे गिरेगा, नीचे जमीन पे आएगा। बुलंद मकाम पाने के लिए अपने आप को छोटा समझना पड़ता है, तवाजो इख्तियार करनी पड़ती है। और अगर अकड़ेगा तो फिर अकड़ तो सिर्फ तकब्बुर, अकड़ ये सिर्फ अल्लाह की ज़ात को, उसकी शान के लायक है, फिर अल्लाह उसको पसंद नहीं करता है और अल्लाह उसे रुसवा करता है, उसकी पगड़ी उछालता है। और जब अल्लाह किसी की पगड़ी उछालने पे आए, जलील और रुसवा करने पे आए, कोई उसे इज्जत नहीं दे सकता है। अल्लाह पाक हर किस्म की बुराई से, घमंड से, तकब्बुर, गुरूर और ख़ुद पसंदीदगी से हम सब की हिफाजत फरमाए।